डोरोथा अब फर्श पर बंधी हुई लेटी हुई है और उसे दो पुरुष आवाजें सुनाई देती हैं। अपहरणकर्ता नाराज हैं कि लड़की के कपड़ों की कीमत उनके खाने से ज्यादा है। वे फिरौती की योजना बना रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि वह कौन है। सैर के दौरान नज ने राजकुमारी को सभी दुकानों में ले जाया और उसके लिए एक नई टोपी खरीदी। ये देखते हुए कि लड़की को तैयार होना पसंद नहीं है, उसने उसे एक किताबों की दुकान में ले जाने का फैसला किया। किताब के बाद नज ने सुझाव दिया कि वह स्वादिष्ट मिठाइयां खाए और रास्ता छोटा करने के लिए गली से होकर गुजरे। अचानक वह आदमी जो उन्हें पीछे से देख रहा था अचानक पीछे से आकर नज के ऊपर अपनी क्लब घुमाता है। डोरोथा ने देखा कि वह महिला वार से लड़खड़ा गई, चेहरे के बल जमीन पर गिर गई और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। हमलावर ने लड़की के मुंह पर एक रुमाल रखा जो किसी तरह के तीखे तरल पदार्थ से भीगा हुआ था और अब डोरोथा बंधी हुई लेटी हुई है और सोच रही है कि वह ऐसे बदमाशों के हाथों मरना नहीं चाहती। जैसा कि अपहरणकर्ताओं की बातचीत से पता चला, उन्होंने नज को पैसे के लिए 3 दिन पहले भेजा था, लेकिन अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है। आश्चर्यचकित होकर कि वह 3 दिनों से वहां पड़ी है, डोरोथा ने सोचा कि सम्राट ने उसे छोड़ दिया होगा और उसे बचाने नहीं आएगा। राजकुमारी ने स्थिति को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और जीवन के संकेत दिखाने लगी ताकि अपहरणकर्ता उस पर ध्यान दें। उनमें से एक उसके पास आता है। डोरोथी ने अपनी समझदारी से काम लिया और थोड़ी सी हलचल दिखाने लगी ताकि अपहरणकर्ता उसकी ओर ध्यान दें। उनमें से एक उसके पास आता है और उसकी आंखों की पट्टी हटाकर उसे अच्छे से नमस्कार करता है। डोरोथी ने मूर्ख और मीठी छोटी बच्ची होने का नाटक करने का फैसला किया जिससे उसे यह पता चल सके कि उस आदमी का नाम टीटो है। डोरोथी ने अपहरणकर्ता से बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि क्या वह उसका नज बनेगा और वह कौन है। टीटो उसके सवालों का मुस्कुराते हुए और धैर्यपूर्वक जवाब देता है, खुद को उसके पापा का दोस्त बताता है। डोरोथी उससे पूछती है कि क्या वह उसे अंकल टीटो बुला सकती है, जबकि उसके मन में ये चल रहा होता है कि वह उसे कैसे खत्म करेगी। उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनते हुए उसे अपना पुराना जीवन याद आता है जब एक व्यक्ति ने उसे हमेशा ये कहा था और मुस्कुराने के लिए कहा था। इधर उधर देखते हुए डोरोथी अपहरणकर्ता से पूछती है कि वे कहाँ हैं और उसे पता चलता है कि यह टीटो का घर है। फिर उस आदमी की भान के ऊपर एक निशान देखते हुए वह उसे उसकी तारीफ कर सवाल पूछकर ध्यान भटकाती है कि वह निशान कैसे आया। लड़की के पास बैठते हुए टीटो 17 दुश्मनों से अकेले लड़ने की अद्भुत कहानियां सुनाने लगता है। पूरी तरह से इधर उधर देखकर डोरोथी टीटो से कुछ खाने के लिए मांगती है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। वह आदमी अपने दोस्त से सलाह करता है लेकिन उसका दोस्त लड़की को खिलाने के खिलाफ है। डोरोथी मेज के पास बैठी और अब उसे पूरी तरह से एहसास होता है कि वह कितनी कमजोर और भूखी है। दूसरा अपहरणकर्ता अपनी जगह से उठता है, राजकुमारी के गले पर चाकू रखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर डोरोथी दीवार के पास खड़ी होती है, उसके हाथ बंधे होते हैं और अपराधी अपनी जगह पर वापस चला जाता है। अचानक वह चिल्लाता है और मेज से दूर हट जाता है, किसी चीज की हलचल देखकर डर जाता है। डोरोथी ध्यान से देखती है कि उसे इतना डराने वाली चीज क्या है और वह बिच्छू को देखती है। अपहरणकर्ता डर से कांपते हुए किनारे खड़े हो जाते हैं और लड़की उन्हें बिच्छू पकड़ने का प्रस्ताव देती है, बदले में रोटी और दूध मांगती है। कांपते हाथों से टीटो लड़की को खोल देता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। डोरोथी बिच्छू को पकड़ लेती है ये सोचते हुए कि दो आदमी इससे कैसे डर सकते हैं। अपहरणकर्ता लड़की से बिच्छू को घर से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं और जब डोरोथी सीढ़ियां चढ़ती है तो उसे एहसास होता है कि घर भूमिगत है। रास्ते भर वह ये समझ नहीं पाती कि उन्होंने उसे इतनी आसानी से अकेले क्यों जाने दिया, लेकिन जब वह घर से बाहर निकलती है तो सब कुछ उसके लिए साफ हो जाता है। जहां भी वह देखती है उसे कहीं भी भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता क्योंकि उसके चारों ओर एक अंतहीन रेगिस्तान है। डोरोथी बैठकर वादा की गई रोटी और दूध खाती है। तभी अपहरणकर्ता जिसका नाम डैनी है उसे दिखाई देता है और अचानक टीटो कमरे में घुसता है। लड़की अपने पीछे अपराधियों को सुनती है जो राजधानी में एक राजकुमारी के गायब होने की खबर पर चर्चा कर रहे हैं। डोरोथी को गुस्सा आता है कि महल में किसी ने उसकी गुमशुदगी की बात लीक कर दी है और अब अपहरणकर्ता उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वे खुद भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये समझते हुए कि उसे सम्राट से कोई मदद नहीं मिलेगी, डोरोथी स्थिति को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। और जब अपहरणकर्ता दरवाजा बंद करके बाहर जाते हैं तो वह चुपचाप अलमारी के पास जाती है। डैनी का बैग ढूंढते हुए वह एक चाकू निकालती है, ये सोचते हुए कि खुद की रक्षा के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। दरवाजे के पीछे छिपते हुए डोरोथी सुनती है कि डैनी टीटो को ऊंट ढूंढने के लिए भेजता है और खुद लड़की को मारने की जिम्मेदारी लेता है। ये समझते हुए कि उसका भाग्य तय हो चुका है, राजकुमारी महसूस करती है कि अब उसके पास इस चाकू का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कमरे में प्रवेश करते हुए डैनी देखता है कि लड़की मेज पर नहीं है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। डोरोथी पीछे से अपहरणकर्ता पर दौड़ती है, हाथों में चाकू कसकर पकड़ती है। जितना ऊंचा हो सके वह कूदती है और चाकू की नोक को डैनी के कंधे में उतार देती है। वार करने के बाद डोरोथी को एहसास होता है कि वह बहुत कमजोर है और घाव इतना गहरा नहीं हुआ है। आदमी घूमता है और लड़की को गर्दन से जोर से पकड़ लेता है, उसे जमीन से उठा लेता है। डैनी एक हाथ से डोरोथी को दीवार से चिपका देता है और वह पूरी तरह से अपना संतुलन और खुद का बचाव करने की क्षमता खो देती है। एक हाथ से उसे पकड़ते हुए वह दूसरे हाथ से चाकू को उसके हाथ से गिरा देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। डोरोथी के पास अब ताकत नहीं बची है। अपहरणकर्ता उस पर चिल्लाता है और धीरे धीरे राजकुमारी पर गुस्सा हावी होने लगता है। वह ताकत जुटाती है और अपने पैरों से आदमी को छाती में धक्का देती है।
उसे खुद से दूर करती है। डैनी गिर जाता है और डोरोथी समय बर्बाद किए बिना गिरा हुआ चाकू उठा लेती है और उसे पैर में घायल कर देती है। वह उस पर दया करने की विनती करता है और उसे वह नज़र याद आती है, एक ऐसे आदमी की नज़र जो किसी राक्षस को देख रहा हो खुद से किए गए वादे को याद करते हुए कि वह दयालु बनेगी। डोरोथी अपने अपहरणकर्ता से फुसफुसाती है कि बस उसे अकेला छोड़ दो। वह मुड़ती है और पहले से पहचाने गए रास्ते से बाहर निकल जाती है। डोरोथी घर से बाहर निकलती है और उस रेगिस्तान को देखती है जिसमें वह जाएगी, बस एकमात्र इच्छा के साथ कि हर कोई उसे अकेला छोड़ दे। राजकुमारी सीधे उस दिशा में चलती है जहां उसकी नजरें जा रही हैं और सूरज पहले ही ढलने लगा है। अंधेरा हो चुका है और डोरोथी को अपनी शक्तिहीनता से डर लगने लगता है क्योंकि रेगिस्तान में कहीं कोई रोशनी नहीं है और वह रोशनी के जादू को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। थकी हुई लड़की वहीं रेत पर लेट जाती है और खुद को मजाकिया समझती है क्योंकि ऐसे समय में भी वह सोच रही है कि अगर राय उसकी जगह होता तो वह अब तक खुद को बचा चुका होता। आंखें खोलते हुए डोरोथी को एहसास होता है कि वह वहीं लेटी हुई है। कुछ समय के लिए बेहोश रहने के बाद डोरोथी सितारों को देखती है और अचानक उसे दूर से एक रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। घोड़ों की टापों की आवाज सुनते ही वह अपनी ताकत जुटाती है और जमीन से उठ खड़ी होती है, ये सोचते हुए कि काश वह मर गई होती। लेकिन जीने की इच्छा मरने की इच्छा पर हावी हो जाती है और डोरोथी अपने पैरों पर खड़ी होकर बेतहाशा हाथ हिलाते हुए मदद के लिए पुकारने लगती है। लड़की की ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिकती और वह मुंह के बल रेत पर गिर जाती है। बंद होती आंखों से वह आने वाले लोगों को देखती है जो सैनिकों की वर्दी में होते हैं और आवाजों की गड़गड़ाहट सुनती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने कमरे में एक परिचित झूमर के धुंधले आकार को देखती है और समझ जाती है कि वह अपने कमरे में है। अचानक वह सम्राट की आवाज सुनती है और बिस्तर पर उठकर सुनने लगती है। हल्के से खुले दरवाजे के पीछे वह अपने पिता और नर्स को देखती है जो सम्राट को बताती है कि कैसे उन पर और राजकुमारी पर हमला हुआ था। डोरोथी को ये जानकर दिल को छूने वाली बात लगती है कि सम्राट उसके लिए यहाँ आए हैं और क्योंकि वह लगभग मारी गई थी। हालांकि अगले ही पल सभी भावनाएं बह जाती हैं जब वह अपने पिता को ये शिकायत करते हुए सुनती है कि वह बहुत परेशानी का कारण बनती है। सम्राट नस को आदेश देते हैं कि जिसने भी जानकारी लीक की है उसे ढूंढें और राजकुमारी के अपहरण की अफवाहों का आधिकारिक रूप से खंडन करें। डोरोथी बिस्तर पर बैठती है और सोचती है कि भले ही उसने अच्छा व्यवहार किया हो उसके पिता फिर भी उससे प्यार नहीं करते। राजकुमारी को विश्वास होता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसके पिछले जीवन में अत्याचारी होने की सजा है। कुछ दिनों बाद सम्राट का चिकित्सक डोरोथी को उसकी कमजोर हालत के बारे में बताता है। तापमान में गिरावट के बावजूद डॉक्टर के बगल में एक नौकरानी खड़ी होती है जिसे लड़की पहली बार देखती है। डोरोथी को दुख होता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी नस को निकाल दिया गया है क्योंकि वह डोरोथी जानती है कि जो कुछ हुआ वह नस की गलती नहीं थी। नस हमेशा राजकुमारी का ख्याल रखती थी और अब डोरोथी के पास यह उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह महिला ठीक होगी। सदमे से जल्दी उबरने के लिए डॉक्टर राजकुमारी को सलाह देते हैं कि वह छुट्टी पर किसी शांत और अधिक शांतिपूर्ण जगह जाए। लड़की को सर्थियन के इलाके में जाने का निमंत्रण मिलता है और अचानक उसे एहसास होता है कि यह कितना अच्छा अवसर है। आखिरकार अब वह महल से दूर जा सकेगी और करण, रेट, थियोन और जूलिया से दूर हो सकेगी जो जल्द ही एपिस्टेमी जाने वाले हैं। ये तय करने के बाद कि वहां वह अपनी ताकत वापस पा सकती है, डोरोथी वहां छुट्टी पर जाने का इरादा जाहिर करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रेमंड अपनी बहन के लिए हर दिन की तरह एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है। राजकुमार को पता चलता है कि डोरोथी सिथियन जा रही है और वह उदास हो जाता है और नहीं चाहता कि वह जाए। रेमंड डोरोथी के अपहरण के लिए खुद को दोषी मानता है लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है। राजकुमारी को जाने से रोकने के लिए रेमंड उसे एपिडेमिया में प्रवेश करने में मदद करने की पेशकश करता है। राजकुमार यह नहीं जानता कि करिन ने डोरोथी को अकादमी में प्रवेश से मना करने का आदेश दिया था और वह उसे समझाने की कोशिश करता रहता है ये समझते हुए कि वह ये सब अच्छे इरादों से कर रहा है। राजकुमारी जोर देती है कि उसे इलाज की जरूरत है। डोरोथी जो अब थकी हुई थी रेमंड से कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। रेमंड अपनी बहन को उदास नजरों से देखता है और चला जाता है। कुछ ही दिन बीते थे और राजकुमारी यात्रा के लिए तैयार थी। वह करिन के उस उदासीनता के लिए आभारी थी जिसकी वजह से वह महल को इतनी जल्दी छोड़ सकी। अचानक लड़की के विचारों को किसी की आवाज़ ने विचलित कर दिया। उसने पलट कर देखा तो थियोन मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था जिसने उसे बताया कि उसे उसके सफर के बारे में पता चला है। राजकुमारी अनिच्छा से उसका जवाब देती है क्योंकि अब वह उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। थियोन अपनी जेब में हाथ डालता है और वह उपहार निकालता है जो उसने राजकुमारी के लिए तैयार किया था। लड़का डोरोथी को कुछ मिठाइयां देता है जो उसने इसलिए लाई थी कि कहीं रास्ते में राजकुमारी को समुद्र में सफर के दौरान मतली न हो। थियोन दुखी था कि वह राजकुमारी को अब अक्सर नहीं देख पाएगा लेकिन उम्मीद करता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी और राजधानी वापस आ जाएगी। अपने पिछले जीवन में डोरोथी ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसे लगता है कि थियोन उसे पसंद करता है लेकिन वह इन विचारों को खुद से दूर कर देती है। राजकुमारी पीछे मुड़ती है और जल्दी से जल्दी वहां से जाने की कोशिश करती है। इन विचारों से वह शर्मिंदा महसूस करती है। उसके पीछे देखते हुए थियोन अपनी मुट्ठी बांध लेता है इस उम्मीद में कि वह और राजकुमारी जरूर फिर से मिलेंगे। गाड़ी में बैठते हुए डोरोथी खुद को शांत रहने और अपनी भावनाओं में बहने नहीं देने के लिए मनाती है लेकिन वह इस विचार को अपने मन से नहीं निकाल पाती कि थियोन ने उसका ख्याल रखा और सफर के लिए उसे मिठाइयां दी।
इस तरह डोरोथी बालकनी पर खड़ी होती है और गहरी सांस लेते हुए समुद्र की आवाज़ सुनती है। जैसे ही उसने शाही महल छोड़ा, उसे लगता है कि यहाँ इस जगह में उसकी अत्याचारी होने की कोई छाप नहीं है और शायद यहीं वह एक नई शुरुआत कर सकती है सिथियन के क्षेत्र में। राजकुमारी का ख्याल महल की नौकरानी काला रखती है। वह डोरोथी का परिचय नाइट स्टीफन ग्रीनवाल से भी कराती है, जिसे राजकुमारी की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। लड़की उसे देखती है और पहचानती है कि यह वही नाइट है जिसे उसने अपने पिछले जीवन में मार डाला था, जब वह सर्वश्रेष्ठ नाइटहुड के ऑर्डर में वाइस कैप्टन के पद तक पहुंचा था। डोरोथी सोचती है कि अगर वह अब 18 साल का है तो वह अभी अभी ऑर्डर में शामिल हुआ है और पदोन्नति के बजाय उसे उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। इससे डोरोथी को स्टीफन दुखी लगता है और वह उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में अपना हाथ बढ़ाती है। इसके जवाब में नाइट दोस्ती के निशान के रूप में राजकुमारी की हथेली पर थपकी देता है। अपने कमरे में बैठकर डोरोथी समृद्ध जीवन के लिए मापदंडों की एक सूची लिखने का फैसला करती है। कागज पर कलम चलाते हुए वह खुद को ये सोचते हुए पकड़ती है कि वह खुद भी नहीं समझ पा रही है कि उसके लिए समृद्ध जीवन का क्या मतलब है। वह सलाह के लिए क्लारा से पूछने का फैसला करती है, जो उसके लिए चाय और कुकीज लाई थी। नौकरानी का मानना है कि सबसे पहले आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन यह मापदंड डोरोथी के लिए उपयुक्त नहीं है। राजकुमारी की नोटबुक में देखते हुए क्लारा देखती है कि लड़की समृद्ध जीवन के लिए एक इच्छा सूची लिखने वाली है और हंसने लगती है। नौकरानी पर गुस्सा होकर राजकुमारी उसे आदेश देती है कि वह उस पर हंसे नहीं। क्लारा राजकुमारी को समझाती है कि वह दुर्भावना से नहीं हंस रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि डोरोथी जो कर रही है वह प्यारा है। शुरुआत के लिए क्लारा लड़की को अधिक बार मुस्कुराने की सलाह देती है और डोरोथी समझती है कि अब तक उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जब वह किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। इस तरह डोरोथी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद आदत के कारण राजकुमारी के होंठों से एक कुटिल मुस्कान गुजरती है। डोरोथी ने सेवकों को कमरे से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि उसे सोचने की जरूरत है। हाथ में कलम लेकर वह सूची शुरू करती है और उसके लिए पहला बिंदु है सीखना, हर दिन दोस्ताना तरीके से मुस्कुराना। दूसरा बिंदु डोरोथी लिखती है कि दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि सिंहासन राय का है और थियोन जूलिया का है। तीसरे बिंदु पर राजकुमारी 1 मिलियन लोगों को बबचाने का संकल्प लेती है और हर हफ्ते 3 बार धन्यवाद के शब्द सुनने और हर महीने चैरिटी में पैसे दान करने की कसम खाती है। लिखने के बाद डोरोथी सूची पर नजर डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफल जीवन के लिए यह पर्याप्त है। टेबल पर बैठे बैठे थककर राजकुमारी खिंचाव करती है और समुद्र की आवाज़ सुनने के लिए बालकनी पर चली जाती है। वह दरवाजे के बाहर खड़े नौकरों को पानी के पास टहलने जाने के अपने इरादे के बारे में बताती है। हालांकि डोरोथी अकेले चलना चाहती थी, फिर भी स्टीफन उसका पीछा करता है, लेकिन वह चुपचाप चलता है और उसे परेशान नहीं करता। अचानक दूर में लड़की एक आदमी को समुद्र तट पर घुटनों के बल बैठा देखती है। वह हैरान है कि आसपास कोई और भी रहता है।